नमस्कार, मैं कंचन, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर सेंट्रल जेल के अधिकारी भी रवाना, महाराष्ट्र कारागृह विभाग ने विदर्भ के जेल अधिकारियों को तलब किया। महाराष्ट्र कारागृह विभाग ने विदर्भ के जेल अधिकारियों को पुणे में तलब किया है। पुणे में महाराष्ट्र कारागृह विभाग के अंतर्गत आने वाले पूर्व क्षेत्र के जेल अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पूर्व क्षेत्र के कारागृहों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सूत्रों के अनुसार नागपुर सेंट्रल जेल के अधिकारी भी पुणे के लिए मंगलवार को रवाना हो गए हैं। पुणे में आयोजित होने वाली जेल संबंधी बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में विदर्भ की कुछ जेलों से जुड़े मसलों पर चर्चा होने वाली है। नागपुर की सेंट्रल जेल के साथ विदर्भ की कुछ अन्य जेलों के मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है, जिसमें जेल से कुछ विकास कार्य, नए बैरक का निर्माण व अन्य विकास कार्यों को शामिल किया गया है। पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत गढ़चिरौली खुली जेल, वाशिम जिला कारागार, अकोला महिला खुली जेल, यवतमाल खुली जेल, वर्धा खुली जेल, अमरावती जिला खुली जेल और नागपुर जिला खुली जेल का समावेश है। मामला दर्ज कर जिससे परेशान एलएलबी के छात्र की जहर घटकने से मौत, युवक की जहर घटकने से मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर प्रेमिका से विवाद और कर्ज से त्रस्त होकर आत्मघाती कदम उठाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बल्डी थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया गया। मृतक रामनगर निवासी रोहन सिंह जमशेद सिंह कपूर है, वह एलएलबी का छात्र था। घटना सोमवार मंगलवार के दरमियान रात रामदासपेट में हुई। बेहोशी की हालत में पाकर लोगों ने उसके मोबाइल से भाई वीरपाल सिंह और माँ गुरदीप कौर और गुड्डी को फोन पर सूचना दी। उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। रोहन केक की दुकान भी चलाता था, उसने वहाँ उसकी मौत का प्रकरण दर्ज कराया गया। आरोपी फरार, इतवारी में सरेराह 20 लाख रुपए की लूट। शहर में एक बार फिर चोर डकैतों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। इतवारी जैसे अत्यधिक व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके में खुलेआम लूट की वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। मंगलवार रात कंपनी का पैसा इतवारी के बुधड़ा लॉकर में जमा करने जा रहे थे। कर्मचारी को चाकू से घायल कर करीब 6 लोग 20 लाख रुपए नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तलाशी में जुट गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी है। इतवारी स्थित चंद्रा एंड कंपनी का कर्मचारी पार्थ चावड़ा 30 वर्ष रात में करीब 8:30 से 9 बजे के दरमियान कंपनी का पैसा इतवारी के ही लॉकर में जमा करने जा रहा था। बैग में 20 लाख रुपए नगद थे। वह बैग लेकर पैदल चल रहा था। पीछे से 5-6 लोग पैदल आए और उससे बैग छीनने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे चाकू से घायल कर दिया, बैग छीनकर भाग गए। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। टीबी स्क्वाड, लक्कड़गंज तहसील और क्राइम यूनिट को पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। शहर की चारों दिशाओं में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू किए गए हैं। फिलहाल मामले में जांच जारी है। घटना में घायल पार्थ चावड़ा को चाकू लगने से खून बहने की जानकारी है। उसे मेडिकल में उपचार के लिए ले जाने की जानकारी दी गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडियाओं के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।